हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। पीएचडी से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है आज के इस वीडियो में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूँ। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखो, दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये होता है कि जो आप अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो तो उसके बाद अगर सपोज करो आपकी जॉब लग जाती है 1 साल या 2 साल के बाद, तो उस केस में क्या हम पीएचडी को छोड़ दें या पीएचडी हम कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू करें तो किस तरीके से करें। अगर हम पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे थे तो क्या उसको हम फुल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम फुल टाइम कर रहे थे तो क्या उसको हम पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन हैं, काफ़ी डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स के मन में। आज के इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो गाइज, यहाँ पर एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये निकल के आई है, दैट इज़ पीएचडी गाइड नहीं बन सकेंगे 59 से ज़्यादा अगर उनकी एज हो चुकी है। तो ये यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही फैसला लिया गया। यूजीसी के गाइडलाइंस हैं जो ये कहती हैं कि अगर कोई प्रोफेसर है जिसकी एज 59 या उससे ज़्यादा की हो चुकी है, तो उस केस में वो किसी स्टूडेंट को पीएचडी के लिए गाइड नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज 62 ईयर जो है वो एज होती है रिटायरमेंट की। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर आप प्रोफेसर बनोगे किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो जो है 62 ईयर जो है आपकी यहाँ पर एज होती है रिटायरमेंट की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर 59 या उससे ज़्यादा की जो एज वाले प्रोफेसर होते हैं उनको यहाँ पर अब पीएचडी के लिए गाइड करने के लिए अलाउ नहीं किया गया, ऐसा यूजीसी की गाइडलाइंस कहती हैं। तो एक तो ये चीज़ है, सभी को पता होनी जरूरी है। और सेकेंड चीज़ गाइस, कि अगर रेगुलर पीएचडी आप कर रहे हो और उस केस में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो उसको आप पार्ट टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपनी रेगुलर पीएचडी को पार्ट टाइम में बदल सकेंगे ऐसे शोधार्थियों को सिर्फ 2 वर्ष। अगर सपोज करो आप पीएचडी कर रहे थे और आपके सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जब आप थे तब तो आपकी नौकरी लग जाती है, जो कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लग जाती है किसी डिपार्टमेंट में, तो उस केस में आप अपने रेगुलर पीएचडी को पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर पाओगे। ऐसे में आपको दो जो स्टार्टिंग के 2 ईयर्स हैं उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप अपनी नौकरी भी आसानी से कर पाओगे और जो आपकी फुल टाइम पीएचडी थी वो आपकी पार्ट टाइम पीएचडी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक तो ये यहाँ पर जो है चीज़ें आपको समझनी है। अगर हम बात करें ऐसी यूनिवर्सिटी की जहाँ पर आपकी जॉब लग जाती है उसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करते करते फिर आपको रेगुलर पीएचडी ही करनी पड़ती है। देखो मैं बता दूँ, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी कर रहे हो और आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया, देन आपकी जॉब लग जाती है डीयू के किसी कॉलेज में, डीयू के किसी कॉलेज में आपकी परमानेंट जॉब लग जाती है, तो उस केस में अब आपको पीएचडी पार्ट टाइम में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर फुल टाइम पीएचडी कर पाओगे बिकॉज डीयू के कॉलेज में आपको पढ़ाना है और वहीं पर पीएचडी करनी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप डीयू से पीएचडी कर रहे थे और सपोज करो आपकी जो जॉब है वो लग जाती है किसी मुंबई में किसी यूनिवर्सिटी में या किसी राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में लग जाती है, तो उस केस में फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। उस केस में फिर आपको रेगुलर पीएचडी को पार्ट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो है यहाँ पर प्रावधान है। बाकी अगर आप कहीं पीएचडी करोगे तो वहाँ पर जो आपके गाइड हैं वो आपको और बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे इस बारे में, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का बस एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब होता है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना। तो जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं हमारे वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में होते हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर हम पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। हर एक कोर्स में आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे ऑल 10 यूनिट्स के, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज, एंड पीडीएफ नोट्स होंगे सभी 10 यूनिट्स के, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो अगर इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। Thank you so much.